ये ना हमारे बाग का ताजा ताजा फूल मालिक के सुहागरात के कमरे के। पर हमने सुना है कि वीरेन बाबू की नई दुल्हनिया जिसका आज गृह प्रवेश है वो मांगलिक है और गूंगी है ना, बोल नहीं सकत ना। तुम भी गूंगा हुआ है का? अरे कुछ बताओ ना उन नई दुल्हनिया के बारे में। क्या बताऊ नई दुल्हनिया के बारे में? आज उसका गृह प्रवेश नहीं, मौत के घर में प्रवेश है। मौत के घर में? अब हल्के से दाहिने पैर से कलश को गिराना और घर में प्रवेश करना। घर में आते ही अपशकुन, ये है मांगलिक लड़की से शादी करने का फल। हमारे भांजे वीरेन बाबू के लिए प्यार अंधा होने के साथ साथ गूंगा भी है। कोई भी आपकी पहली बहू की तरह परफेक्ट हो सकती है क्या? वो भी मांगलिक लड़की? अरे ये हमारा नौकर जोगी है, चले।
तुम प्लीज बुरा मत मानो। अरे मामा जी की तो जबानी गंदी है, और रही बात पापा की, तो तुम देखना उनका ये जो अंधविश्वास है ना, एक दिन तुम पर अंधा विश्वास बन जाएगा, जैसे मुझे। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? माना कि मधुलिका के लिए मेरे दिल में जो सम्मान है वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन यामिनी, मधुलिका मेरा अतीत था, और तुम मेरा आज हो और मेरा कल। बहुत अच्छी चल रही थी हमारी दुनिया। मधुलिका मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी। फिर एक दिन अचानक बिजनेस के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा, और फिर हम अपने बचपन के दोस्त रमाकांत जी को वादा किए थे कि अपने बेटे वीरेन की दूसरी शादी उनकी बेटी रिद्धमा से करूंगा, पर इस वीरेन को बिना जबान की गूंगी लड़की में क्या गुण दिखाई दिए कि इसी को पसंद कर लिया। जीजा जी, ऊपर वाला अगर एक गुण लेता है तो दूसरा दे भी देता है। यामिनी जैसी भी है, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, करोड़ों की इकलौती वारिस। गिरधारी, इरादा क्या है तेरा? यही जीजा जी, शादी के बाद यामिनी का सब कुछ वीरेन का हो जाएगा, और इस शहर में आए दिन हादसे तो होते ही रहते हैं। जहां पहली मरी वहां दूसरी भी मरेगी, फिर उसकी जगह पर तीसरी आएगी। अरे गिरधारी, जबान को लगाम दे, दीवारों के भी कान होते हैं। तीसरी का सपना देखते हैं वालों, पहले पहली पॉली से तो बचो। Cheers. मैं पानी लेकर आता हूं। जल्दी से।
घरवाले नहीं जानते थे कि तुम मुझे स्कूल के दिनों से चाहती। 20 साल यामिनी, एक बार अगर तुमने मुझसे कह दिया होता ना तो शायद मधुलिका मेरी जिंदगी में ही ना होती। तो जुबान से कहने के लिए कौन कह रहा है? अपनी इन खूबसूरत आंखों से इशारा कर देती। मैं जाके देखता हूं। कोई बात नहीं, मैं पट्टी लगा दूंगा। मैं जाकर देखता हूं। पूछा कौन है वहां? मधुलिका? हाँ मैं। अंदर आओ। स्टोर रूम में मुझे बचाओ यामिनी, बचाओ मुझे।
वीरेन यहां नहीं है। बेटा क्या हुआ? क्या मुसीबत है? वीरेन कुछ बताना चाहती है। क्या हुआ? चल चल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे क्या समझा रही है? क्या यामिनी, तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। क्या बात है? क्या हुआ वीरेन? अरे कुछ नहीं पापा, वो मैं यामिनी को अपनी पुरानी पेंटिंग दिखाना चाहता था, इसीलिए स्टोर रूम में लेके आया, लेकिन ये कीड़े को देखकर वहां से डरकर भाग गई। ये क्या कह रही है वीरेन? अरे माँ, मैं समझाता हूँ। यामिनी माँ, इसे डर है कि शायद मुझे कुछ हो ना जाए। ये लड़की मधुलिका का एक अंश भी नहीं है। यामिनी घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अब चले सोने? हाँ बेटा, इसे लेके जाओ, नए घर में इसकी पहली रात है ना, डर गई बेचारी। अगली बार अगर मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश की क्यों? घर वालों को बुलाएगी, मेरे इनके माँ बाप को बुलाएगी। हाँ से तो वीरेन की जिंदगी में जगह लेगी, मेरी जगह लेगी तू। मैं मधुलिका हूं, वीरेन की पहली पत्नी और उसका पहला प्यार। और ये जो घर वाले मेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, असल में तो इन कमीनों में से ही किसी एक ने मेरा खून किया है। और इसका पता लगाएगी तू, यह कौन है जिसने मेरी जान ली? क्योंकि एक तू ही है जिसके ऊपर मुझे शक नहीं। तू बाहर से आई है ना, भले मेरे सौतन के रूप में ही सही, अब तू ये पता लगाएगी। और वो भी बिना किसी को कुछ कहे और मेरे बारे में बताए, वरना मेरा और वीरेन का पुनर्मिलन होगा मेरे हाथों उसकी मौत के बाद। उसे मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी।
छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आपको बड़ी मालकिन ने नाश्ते पे बुलाया है। इस घर की औरतें यहाँ के मर्दों की तरह नहीं है। ये मांगलिक मांगलिक मैं नहीं मानती। मैं तो बस अपने वीरेन की खुशी चाहती थी, लेकिन मधुलिका के जाने के बाद जैसे उसने जीना ही छोड़ दिया था। तुम्हारे आने के बाद उसकी मुस्कुराहट लौट आई। मधुलिका को क्या हुआ? बेचारी, 2 ही तो साल हुए थे उसकी शादी को। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन 8 महीने पहले एक दिन वीरेन को लेने एयरपोर्ट गई थी मेरे बड़े भाई गिरधर के बेटे सौरभ के गाड़ी में। ब्रिज के ऊपर से जाते वक्त पता नहीं अचानक क्या हो गया और फिसलन की वजह से गाड़ी नदी में जा गिरी। सौरभ तो बच गया, लेकिन मेरी बेटी जैसी बहू मधुलिका। ये जो घर वाले मेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, असल में तो इन कमीनों में से किसी एक ने मेरा खून किया है। क्या हुआ बेटा, इतनी डर क्यों गई? तुम्हारा पति ही तो है। अरे वाह, बहू की देखा देखी मैं जल्दी उठ गया। जोगी, वीरेन के लिए गरम नाश्ता लाना। अरे बेटा, आज तो काम पे तो नहीं जा रहा है ना? बहू को अपने खेत और जमीन दिखाना। हाँ माँ, क्यों नहीं। वैसे भी बीवी की बात मानने में होशियारी है, तभी तो वो हमारी बात भी मानेगी। क्यों यामिनी? मैं तुमसे जो करने के लिए कहूंगा तुम वो करोगी ना? करोगी ना यामिनी? डॉक्टर को दिखाऊं, वो मुझे ठीक करेगा? इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी है? स्किज़ोफ्रेनिया, क्या कहते हिंदी में, मानव विकलता, मानसिक भ्रम के मेरा एक और रूप है। तो ठीक है, चल मेरे साथ, दिखाता हूं मैं तुझे अपना असली रूप। Thank you.
डूबकर हुई है और मेरी लाश नहीं मिली, तो फिर ये क्या है? हाँ, ये मेरी लाश है, मधुलिका की लाश। काश मुझे पता होता कि मुझे किसने मारा है। मुझे याद है तो सिर्फ शहर भरा धोखा। पानी में कुछ मिलाया था। यामिनी, मैं यहां कैसे आ गया? हाँ, वही जिसे तुमने आजाद किया था उस रात दरवाजे का कवच तोड़कर। बड़े गोदाम से जो मैंने माल चुराया है उसे यहां रख देता हूं। यहां पर तो कोई आता जाता नहीं। ये सब किसने लगाया है? हाँ,
अब मैं आजाद हूं। हाँ जोगी, मैंने फूल वाले से कह दिया है कि गुलाब की पंखुड़ी की टोकरी तैयार रखे। हम शादी के बाद हॉल से सीधा घर आएंगे, तुम फूल तैयार रखना, ठीक है? नहीं तुम्हारे। आज उसका गृह प्रवेश नहीं, मौत के घर में प्रवेश है। मौत के घर में। मुझे जाने दो मैम, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे जब अपनों पे भरोसा नहीं है तो तू क्या चीज है? बीरन बाबू, जोगी, तुझे मरना होगा जोगी। मधुलिका, तुझे मरना होगा। मधुलिका, ये तुम्हारी आवाज है ना? तुम्हें किसने मारा मधुलिका? इस सवाल का तो जवाब ढूंढ रही हो बीरन, तुम इस सवाल के बीच में आए बा। जोगी, मारा जाएगा। जोगी, देखा तुमने किस तरह से मैं उसके शरीर में जाकर उसको मार दिया? उसी तरह मैं वीरेन को भी मार दूंगी अगर तूने मेरी मदद नहीं की। वीरेन को अगर जिंदा देखना चाहती है तो पता लगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है। और हाँ, एक और बात, यहाँ खंडर में मेरी लाश और चौकी की मौत का राज सिर्फ तुझ तक रहना चाहिए, समझ गई? जीजा जी, वो आ गए। यही समय है घूम कराने का। तेरी माँ कब से तेरा इंतजार कर रही है? नए नए प्यार के मौसम में वक्त का कहाँ पता चलता है। क्यों भांजे, क्या दिखाया नई बहू को? कुछ ऐसा मामा जी की वो कभी भूल नहीं पाई। रुक वीरेन, मां को भी अभी आरती लेके आना था। कल रात के अपशकुन के बाद मैंने मंदिर जाके तुम दोनों के लिए मन्नत मांगी थी। आओ बेटा। वीरेन, आओ बेटा। रहने दो ना मैम, क्या जरूरत है? रहने दो क्या, बुरे से ऐसे बचना नहीं है क्या? आ जाए इधर। बोल रहा हूं ना मां, नहीं लगवाना मुझे, ठीक है? वीरेन, ये क्या बदतमीजी है? तेरी मर्जी से तुझे शादी करने दी, इसका यह मतलब नहीं कि तू मनमानी करेगा। क्या हुआ वीरेन, डर क्यों रहे हो? तिलक ही तो लगवाना है, वो भी मां के हाथों से। वीरेन, तुझे क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है, इतना घबरा क्यों रहा है बेटा? कुछ नहीं मां, वो मेरा भविष्य भगवान के हाथ में थोड़ी ना है, मेरा भविष्य तो यामिनी के हाथ में। क्यों यामिनी, रक्षा करोगी ना मेरी? We'll be right back.
मैंने, क्या अनर्थ किया तूने? मनहूस है ये, मनहूस। वो माँ, दरअसल यामिनी की तबीयत खराब है, मैं माफी चाहता हूँ। जाओ वीरेन जाओ, बेबी की चाकरी अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? पति की बहुत याद आ रही है तुम्हें, एक बात कान खोल कर सुन लो यामिनी, सबसे पहले वीरेन मेरा पति है, तू मेरी सौतन है, सौतन, समझी? ओहो, सौतन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, जानती है क्यों? क्योंकि अगर तू मुझे नुकसान पहुंचाएगी तो तेरा पति जान से जाएगा। पशापा, जिस तरह से आज तूने मेरी मदद की है, आगे भी ऐसा ही करती रहना। रुक! कहाँ जा रही है? शुरू, समझी? और हां, एक एक करके मेरे शिकार को तू मेरे पास लेकर आएगी। जिस घर को आबाद करने आएगी तू, उस घर को बर्बाद करेगी, और वो भी मेरे इशारे से, समझ गई? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.